हमारे देश के जो विपक्षी नेता ऐसी घटनाओं के बाद बीजेपी शासित राज्यों में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, वो तमाम विपक्ष के नेता कोलकाता की इतनी विभत्स घटना पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? और यहां हमने देखा कि कोई भी देश का बड़ा विपक्षी नेता कोलकाता नहीं पहुंचा है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए विपक्ष के नेता कोलकाता नहीं जा रहे हैं? लेकिन ये भी आज हमारे देश की जनता को और आप सबको देखना होगा कि हमारे देश के जो नेता हैं वो किसी आम परिवार की एक बेटी के साथ गैंगरेप हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, उस पर भी हमारे देश के जो नेता हैं वो कितने बट जाते हैं। और सबसे पहले वो ये देखते हैं कि ये घटना किस राज्य में हुई है और उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है और हमारे देश के लोगों को ये ज़रूर बात सुननी चाहिए, देखनी चाहिए कि हमारे देश के जो नेता हैं वो ऐसी घटनाओं पर भी कैसे राजनीति खेलते हैं। सोचिए, जब विपक्ष ये कहता है कि वो इस देश की आवाज़ है, तो क्या इस देश में वो उन राज्यों को नहीं गिनता जहां उनकी अपनी सहयोगी पार्टियों की सरकारें हैं? जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूं और मैं भारत में विपक्ष का नेता हूं, उनके समर्थक उन्हें प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहते हैं, तो क्या उनके शासन में पश्चिम बंगाल नहीं आता? क्या वो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता नहीं है? वो तो पूरे भारत में विपक्ष के नेता है। इसी प्रकार से जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल को अपने दायरे में नहीं गिनते? क्या पश्चिम बंगाल में सब कुछ माफ है? हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो आरोपी के लिए फांसी की मांग करती हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में जो कार्रवाई उनकी सरकार को करनी चाहिए थी उन्होंने वो कार्रवाई की है। अपने एकटा दोषी लोक के फांसी दिन हमारे कोनो आपत्ति नहीं, किंतु निर्दोषी देर जान शास्ति देवा ना होए एटा माथाय राखबेन। एकटा हजारटा दोषी लोक के अपनी धरुन फांसीर काटे चड़िए दिन, আমাদের কেউ ইন্টারফেয়ার করবে না, আমরা হাইকোর্টের রায় মেনে চলব এবং আমাদের পুলিশও হাইকোর্টকে হাইকোর্টের রায় মেনে চলে সিবিআই কে যা যা সহযোগিতা করার এই কেসে আমরা পুরোটাই করব, কারণ আমাদের কোনো লেনা দেনা নেই। আমরা চাই এই পাশবিক হত্যার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তারা দোষী ব্যক্তিকে ফাঁসি দিন। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष यानी भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस घटना से देश की महिलाओं और डॉक्टरों के बीच असुरक्षा का माहौल है और इस मामले में जिस तरह पुलिस और अस्पताल के प्रबंधन ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने इस मामले में ममता बनर्जी को विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के लिए कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा है, उनके बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन राहुल गांधी ने पोस्ट तो लिख दिया सोशल मीडिया पर और बिल्कुल सही लाइन पर लिखा है, लेकिन हम आज उनसे ये कहना चाहेंगे कि पूरा देश उनसे ये उम्मीद करता है कि राहुल गांधी को खुद कोलकाता जाना चाहिए और इस पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, उस अस्पताल का दौरा खुद स्वयं करना चाहिए। राहुल गांधी को इस अस्पताल में जाना चाहिए जहां यह वारदात हुई, वो जगह खुद देखकर आनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार से मिलकर इसे यह आश्वासन देना चाहिए कि उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। यह उम्मीद हम राहुल गांधी से जरूर करते हैं। अब देखते हैं कि वो जाते हैं या नहीं, क्योंकि बाकी की जगह तो वो जाते हैं, तो फिर कोलकाता फ्लाइट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, फ्लाइट पकड़कर वो कोलकाता भी जा सकते हैं। और बाकी राजनीतिक दल इस घटना पर क्या कह रहे हैं ये आज आपको हम सुनवाते हैं। ममता जी, आपके राज में हो क्या रहा था कि इतनी निर्भया प्रकार से एक डॉक्टर की हत्या होती है और आप बचाने में लगी हुई थी? मैं तो विनम्रता से कृतज्ञ हूं कलकत्ता हाईकोर्ट का कि उसने सख्त निर्णय दिया है। ममता जी, आज तो देखा हमने सुकेंदु जो उनके राज्यसभा के MP हैं, हमारे पुराने, उन्होंने भी कहा कि कल मैं भी प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। मैं कहूंगा ममता जी, आप माँ माटी मानुष की बात करती हैं, ये कौन से अपनी माँ माटी और मानुष की बेटी की आप चिंता कर रही हैं? यू वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सी इज होल्डिंग टू
सब्जेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट, वन हेल्थ, सेकेंड होम। वी वांट रेजिग्नेशन फ्रॉम हर चेयर। देखिए, बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें? पहले आप अपनी कथनी तो देखिए, करनी तो देखिए, फिर कथनी पे बात करिए। हमें बंगाल की सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ के पुलिस ने ये जो घटना, ये घटना को गुमराह करने के लिए, आम लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए शुरू से ही जो कोशिश कर रहे हैं, इनसे देखते हुए हमारी तरफ से ये बंगाल के पुलिस बल को जो छानबीन, जो तब्दीश हो रहे हैं, उसमें जरा सा भी भरोसा हमें नहीं है। डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप, ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है, और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो। देखिए, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एक बात कही, और वो बात आज आपको बहुत चुभेगी, आपको सोने नहीं देगी। और वो बात क्या है जो उन्होंने कहा? डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप। इस देश में सोचिए हो क्या रहा है। डॉक्टर ऑन ड्यूटी, एक महिला डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, नाइट शिफ्ट पर है, अस्पताल में है, उसके साथ बलात्कार हो जाए और फिर उसकी निर्मम हत्या हो जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए और क्या हो सकती है। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि इस घटना के खिलाफ देश भर के लाखों डॉक्टर्स अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ नहीं है। नेता तो अपनी राजनीति करते रहेंगे, वो पक्ष और विपक्ष की राजनीति खेलते रहेंगे, लेकिन ये जो हजारों डॉक्टर्स देश के अलग अलग अस्पतालों में, शहरों में बाहर निकले हैं, ये ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के सामने रख रहे हैं, और ये अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और हमारे देश भर के डॉक्टर्स ये बताना चाहते हैं कि उन्हें कितनी बुरी परिस्थितियों में, कितनी विपरीत परिस्थितियों में, और कैसे बहुत ही कम सुविधाओं के साथ काम करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा डॉक्टर तब बनता है जब वो बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करता है। वो बच्चे जो स्कूल में और कॉलेजों में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मेधावी बच्चे होते हैं, होनहार होते हैं, वो जाकर डॉक्टर बनते हैं। हमारे देश में डॉक्टर बनना आज भी एक बहुत बड़ी बात, सम्मान की बात माना जाता है, समाज में बहुत सम्मान है, और आज भी हमारे देश के ज्यादातर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े बड़े परीक्षाएं आपको पास करनी पड़ती हैं, नीट जैसी परीक्षाएं आपको पास करनी पड़ती हैं, और वर्षों तक कोचिंग सेंटर्स में मेहनत करनी पड़ती है। कितने बच्चे तो इसी सपने को लिए आत्महत्या कर लेते हैं। फिर सोचिए, ये सब करते करते जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, जब लोग, हमारे देश के युवा इतना पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं, तब उन्हें ऐसे अस्पतालों में काम करना पड़ता है जहां पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं होती, जहां उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी इंतजाम नहीं है। ऐसे ऐसे अस्पतालों में महिला डॉक्टर काम कर रही हैं, जहां लोग बैठकर रात को शराब पी रहे हैं, मोबाइल फोन पर पॉर्न देख रहे हैं, फिर रेप करते हैं और फिर हत्या हो जाती है। ये तो इस अस्पताल में ये घटना हुई और पूरे दुनिया को ये पता चल गया, लेकिन हमारे देश में न जाने कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां पर वही हालात हैं जैसे इस अस्पताल में है। अब आप सोचिए इन सारे डॉक्टरों की मनोस्थिति क्या होती होगी। आप सब लोग जहां काम करते हैं, हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसका वर्क प्लेस यानी उसका दफ्तर अच्छा हो, दफ्तर में बैठने की जगह साफ सुथरी हो, वहां पर माहौल अच्छा हो, लेकिन सोचिए हमारे देश के डॉक्टर्स जहां काम पर जाते हैं, यही तो इनका दफ्तर है। हमारे देश के डॉक्टर्स का दफ्तर है अस्पताल, और अस्पताल की स्थिति देखिए। कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में कितने वर्ष तक काम कर सकता है? और शायद यही कारण है कि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हमारे देश को छोड़कर विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि यहां उनके मूल्य को कोई समझता नहीं है। इसलिए आज यहां बात सिर्फ ममता बनर्जी की, उनकी सरकार की, सरकार या विपक्ष की नहीं है, बल्कि यहां बात हमारे देश के इतने प्रतिभाशाली डॉक्टरों की सुरक्षा और उन्हें
जरूरी सुविधाएं देने की है जिसके वो मूल हकदार हैं, लेकिन हम उन्हें दे नहीं पा रहे। आज अगर आप कोलकाता के ही सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को अगर देख लेंगे तो यहां आप देखेंगे टॉयलेट्स बेहद गंदे हैं, उनमें लाइट तक नहीं है, हॉस्टल में एक एक कमरे में चार चार डॉक्टरों को रहना पड़ता है, लगभग सभी ट्रेनी डॉक्टर से लगातार 48 घंटे तक की शिफ्ट कराई जाती है, और इस दौरान कोई डॉक्टर अगर थक जाए तो उसके लिए अस्पताल में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए, थोड़ी देर एक नींद की झपकी लेने के लिए एक ढंग का रेस्ट रूम तक नहीं है। और इस महिला डॉक्टर को भी सोचिए, जब थोड़ा आराम करना था तो इसने सेमिनार रूम में जाकर इसको आराम करना पड़ा, जहां वो इतनी बड़ी दुर्घटना की शिकार हुई। और सोचिए, जब ऐसी अव्यवस्था हमारे डॉक्टरों को मिलेगी और उन्हें जानवरों की तरह अस्पताल में रखा जाएगा, तो ये बात हमारे देश के लिए कितनी चिंताजनक बात है। The basic requirement is a clean washroom, the first thing I would say. Wherever we work, we don't have that proper facility. Be it a room, we don't have a proper washroom in our working place. They don't have proper clean toilets in the hostel. The toilets are in an absolute dilapidated condition, very bad. In fact, the floor at which we are working, those floors also don't have proper toilets. Those are like in a very bad condition. We don't have proper restrooms where we can rest. Minimum amount of hours of duty. सो डैट मतलब हम लोग को कहीं भी सोना ना पड़े, यहाँ पे एक सोने का भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे कहीं भी सोने का भी आपका प्रोसीजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा 24 आवर्स। वैसा कोई सेफ रूम नहीं है जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर रात को सो पाए ड्यूटी के बाद? नहीं, सेफ रूम नहीं है। अब मैं लिटरली मैं सो रही हूँ वहाँ पे, पेशेंट पार्टी अंदर आके नॉक करके अंदर आ जाते हैं। तो आप देखिए, हमारे देश की जो महिला डॉक्टर्स हैं वो आज कितनी असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। हमारे देश में माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और एक दिन वो डॉक्टर बनेगा या बनेगी। खास तौर पर हमारे जो महिला डॉक्टर्स के माता पिता हैं या छात्राओं के जो माता पिता हैं, जो सपना देखते हैं कि उनकी बेटी आगे चलकर डॉक्टर बने। अब आप खुद सोचिए, अस्पतालों की यह हालत देखिए, अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में कितनी बुरी स्थिति में महिला डॉक्टर्स को रहना पड़ता है, पुरुष डॉक्टर्स को भी, लेकिन महिला डॉक्टर्स के लिए तो और ज्यादा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। बुनियादी सुविधाएं जैसे एक अच्छा टॉयलेट तो होना चाहिए, एक ऐसी जगह तो होनी चाहिए जहां आप अच्छे से आराम कर सकें। अब आप सोचिए, कौन माता पिता अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर ऐसी जगह काम करने के लिए भेजेगा। हमारा काम था कि हम आपको जागरूक करें, हमारा काम है कि हमारे देश के लोगों को ऐसे विषयों पर जागरूकता होनी चाहिए, उनकी नींद टूटनी चाहिए और उन्हें यह पता होना चाहिए कि अगर ये हादसा किसी और की बेटी के साथ हुआ है तो एक दिन आपके परिवार में भी हो सकता है। आप किस्मत वाले हैं, सिर्फ अपना और अपने छोटे से परिवार के बारे में मत सोचिए, इस समाज के बारे में सोचिए, इस देश के बारे में सोचिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करने में अपना योगदान दीजिए। और इसके लिए सबसे पहले आपको नेताओं से प्रभावित होना बंद करना पड़ेगा और नेताओं से सवाल पूछने पड़ेंगे।